जादुई नारियल पेड़। एक गांव में रामू रमेश नाम के दो भाई रहते थे। इनमें से छोटा भाई राम बहुत सादा सीधा व्यक्ति था। एक दिन अपने घर के आंगन में एक नारियल पेड़ के पास दोनों भाई जाते हैं। तब बड़ा भाई रमेश छोटे भाई राम से कहता है, देखो राम, पिताजी ने दुनिया से जाते जाते सिर्फ यहाँ नारियल पेड़ को ही दिया था, इसलिए हम दोनों इसे मिलकर बांट लेंगे। ठीक है भैया, आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगा। राम, तुम छोटे हो इसलिए तुम पेड़ का बड़ा वाला भाग ले लो। मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए पेड़ का छोटा भाग यानी ऊपर वाला भाग लेता हूँ। ठीक है भैया, नीचे का भाग मेरा है इसलिए मैं हर दिन पानी दूंगा। इस तरह राम हर दिन सुबह शाम नारियल के पेड़ को पानी देता है। इससे बहुत अच्छे नारियल लगते हैं। रमेश इस तरह सोचता है, अरे वाह, बहुत सारे नारियल लगे हैं, इन सबको बेचा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन रमेश की दुर्बुद्धि को देखकर नारियल का पेड़ सोचता है, अरे लालची रमेश, अपना सादा सीधा भाई को अन्याय करके बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है, देख अब मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। इसके बाद रमेश नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। नारियल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वहां सारे फल गायब हो जाते हैं। रमेश अपने मन में कहता है, अरे ये क्या, सारे नारियल कहां गायब हो गए? मैंने नीचे से देखा था तो बहुत सारे नारियल थे। इस तरह सोचते हुए निराश होकर नीचे आ जाता है। फिर से ऊपर देखा तो बहुत सारे नारियल दिखते हैं। क्या हो गया, आज मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, पेड़ पर तो बहुत सारे फल हैं, फिर से ऊपर जाकर सारे फल तोड़ूंगा। इस तरह रमेश पेड़ पर चढ़ता है, फिर से सारे फल गायब हो जाते हैं। अरे यहां तो एक भी नारियल दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या हो रहा है? इस तरह कहते हुए फिर से नीचे उतरता है। फिर अपने छोटे भाई रामू के पास जाकर कहता है, राम आज से पेड़ का ऊपर का भाग तुम लो और मैं नीचे का भाग लूंगा। जैसे तुम्हारी इच्छा भैया। देखो राम, पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हैं, उन सबको काट कर बेच देना। इतने सारे फल मैं अकेला कैसे बेचूंगा, इनमें से थोड़े फल गांव वालों को भी दे देता हूँ। इस तरह कहकर नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है और सारे फल काट कर नीचे उतरता है। पहले पहल भगवान को एक फल अर्पित करूंगा, फिर बाकी सारे गांव वालों में बांट लूंगा। कहकर एक नारियल के फल को भगवान के आगे तोड़ता है तो उसमें से सोना निकल कर आता है। अरे वाह, ये क्या, सारे नारियल में सोना भरा हुआ है, ये सब कुछ गांव वालों में बांट दूंगा, सबकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इस तरह सोचते रहता है। इतने में रमेश देखकर, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं, ये सारे फल मुझे दो। इतना कहकर सारे फल लेकर एक थैले में डालकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर देखा तो सारे फल खराब निकलते हैं। अरे इसमें सोना नहीं, सारा सड़ा हुआ नारियल निकल रहा है। इतना कहकर सारे फल लेकर अपने भाई राम के पास आता है। ये क्या राम, तूने जब तोड़ा तो सोना निकल कर आया, जब मैंने तोड़ा तो सड़ा हुआ नारियल निकल आया। मैं कुछ नहीं जानता भैया। दिखने में तो बहुत इनोसेंट लगते हो, लेकिन ये सब जादू कर रहे हो। अभी रुको, इस नारियल के पेड़ को अभी काट देता हूँ। इस तरह कहकर एक कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में रमेश को नारियल का पेड़ अपनी शक्ति से दूर धकेल देता है। क्यों रे रमेश, बेचारा सादा सीधा अपने भाई को धोखा करने चला था ना, इसलिए मैंने तुम्हें ये सबक सिखाया। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मॉन्स्टर ट्रक कार, ये कहानी है उदयपुर में रहने वाले संजय की। संजय बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही ईमानदार लड़का था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज था। माता पिता के गुजरने के बाद वो अपनी दादी के पास रहता था। माता पिता नहीं होने के कारण वो बेचारा बचपन से ही गरीबी देखते आ रहा था, और ज्यादा पैसे नहीं होने के कारण वो काम करता, घर चलाता और पढ़ाई भी करता। उसकी दादी बेचारी बुढ़ी होने के कारण कुछ काम नहीं कर पाती थी। संजय सुबह से दोपहर तक पढ़ाई करता और दोपहर से रात तक गांव के गैरेज में काम करता।
अरे बेटा संजय, तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तू इतनी छोटी सी उम्र में घर चलाता है, अपना पढ़ाई भी करता है और काम भी करता है। काश तेरे जैसा मेरा भी कोई बेटा होता तो मुझे बहुत खुशी होती। तो मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूं ना सर, आप मुझे भी अपना बेटा समझ लीजिए। उसके बाद संजय अपने काम करने में लग जाता है। उसी गांव में पिंटू नाम का एक लड़का रहता था और उसके दो दोस्त रहते थे। पिंटू के माता पिता बहुत ही पैसे वाले थे, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पिंटू को वह सारी सुविधाएं दिए हुए थे। उसके पास अपनी खुद की बड़ी गाड़ी थी जिसमें उसके सारे दोस्त मिलकर घुमा करते थे। एक दिन पिंटू अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। अरे यार बहुत बोर लग रहा है, क्या करे? क्या करेंगे यार, कुछ करने को कुछ काम ही नहीं है। अरे तू तो कल शॉपिंग जाने वाला था ना? हाँ यार गया तो था पापा के साथ, मुझे ना पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ? अरे यार पापा बोले थे कि मुझे 50,000 की शॉपिंग कराएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे 30,000 का ही शॉपिंग करवाया। मेरा तो मूड ही खराब हो गया यार। मेरे भी पापा से पंगा चल रहा है, मैंने भी उनको सुपर बाइक लेने के लिए बोला है, लेकिन वो मुझे आजकल करके घुमा रहे हैं। तभी वहां से संजय गुजर रहा होता है। उसे देखकर पिंटू बोलता है, अबे ओए संजय इधर आ। संजय उसके पास आता है। क्या हुआ? देख मेरी नई कार, तूने कभी अपने जिंदगी में इतनी अच्छी कार देखी है? नहीं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा बोलकर संजय उसकी कार को छूता है। ऐसे देखते ही पिंटू उसे जोर से धक्का देकर गिरा देता है। अबे वो भिखारी की औलाद, दोबारा मेरी गाड़ी को छूने की कोशिश की ना तो मार मार के तेरा भरता बना दूंगा। तुझे मालूम भी है कितने की है ये कार? यह देखकर पिंटू के दोस्त संजय पर बहुत हंसने लगते हैं। बेचारा संजय वहां से उठकर चला जाता है। साले भिखारी लोग कैसे जीते हैं बे, ना साले के पास ढंग का कपड़ा है ना गाड़ी। एक दिन की बात है, संजय गैरेज में काम कर रहा था। तभी पिंटू अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी में संजय के गैरेज में आता है। अबे वो संजय मेरी गाड़ी को साफ कर दे, बहुत धूल लग गया है। पर मैं आपकी गाड़ी को छू लूंगा तो आप मुझे फिर गुस्सा करोगे। नहीं करूंगा, लेकिन अच्छे से साफ करना बे। संजय उनकी गाड़ी को साफ करने में लग जाता है। अबे ठीक से साफ कर, ये देख यहाँ पे धूल है। पिंटू बेचारे संजय को बहुत परेशान करता है। भाई गाड़ी का सफाई हो गया, 500 रुपए हुए हैं। किस बात के पैसे? नहीं मिलेंगे पैसे, और चुपचाप कल्टी ले ले, नहीं तो बहुत मार पड़ेगा। ऐसे बोलकर हंसते हुए वहां से चला जाता है। बेचारा संजय उदास होकर वहीं बैठ जाता है। कुछ दिन बाद संजय को किसी काम से शहर जाना पड़ता है। जब संजय अपने गांव से दूसरे गांव पहुंचता है तो देखता है वहां एक कबाड़ी के पास एक पुरानी सी गाड़ी पड़ी होती है। अरे ये तो मेरे पापा की गाड़ी है। संजय बहुत खुश होता है। वह तुरंत कबाड़ वाले के पास जाकर बोलता है, अंकल वो कार कितने की है? वो कार नहीं भंगार है। कोई नहीं सर, आप बता दीजिए वो कितने की है। 5,000 की है। ठीक है सर, आप कृपया करके इसे मत बेचना, यह मेरे पापा की कार है, मैं जितनी जल्दी हो सके पैसे जुगाड़ करके ले आता हूँ। ठीक है, जल्दी से जल्दी पैसे लेकर आओ, नहीं तो मैं किसी और को बेच दूंगा। संजय तुरंत वहां से अपने गैरेज में वापस आता है और अपने मालिक से कहता है, सर मैंने आज पड़ोस के गांव में कबाड़ी के पास मेरे पापा की कार देखी है। अच्छा पड़ोस के गांव में? क्या आप मुझे 5,000 दे सकते हैं? मैं आपको काम करके चुका दूंगा। ठीक है। दूसरे दिन संजय वह कार खरीद कर ले आता है और अपने घर में उसको बनाने लगता है। अरे संजय ये किसकी गाड़ी ले आया? दादी ये पापा की गाड़ी है, मैंने इसे पड़ोस के गांव से लाया। उसकी दादी वह कार देख के बहुत खुश होती है। संजय उस कार को बनाने में लगा होता है, ना तो खाने का ठिकाना ना पीने का। पूरा दिन गैरेज में काम करता और रात को घर में काम करता। अरे संजय तू इतना काम करेगा तो तेरा तबीयत खराब हो जाएगा। सर
अगर काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? वह तो ठीक है, लेकिन तू यहाँ भी काम करता है और घर जाकर भी करता है। एक काम कर, जब तक तेरी गाड़ी नहीं बन जाती तब तक तू घर पर ही काम कर। तू जितना वहाँ काम करेगा उतना मैं पैसे तुझे यहाँ के हिसाब से दे दूंगा, और कुछ भी लगेगा तो बोलना मुझे। उसकी बात संजय दिन रात अपनी गाड़ी को बनाने में लग जाता है। कुछ दिन में संजय अपनी गाड़ी को पूरी तरह से बनाकर खड़ा कर देता है। दादी देखो मैंने गाड़ी बना दिया, संजय की दादी कार को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो अपनी मॉन्स्टर ट्रक कार को अपने मालिक को दिखाता है। ये कौन सी कार है भाई, मैंने आज तक तो ऐसी कार नहीं देखी। सर इस जैसे कार को मॉन्स्टर ट्रक कार बोलते हैं। इस तरह की कार की दिन व दिन बहुत मांग बढ़ती जा रही है, और तो और इस तरह की कार की आजकल रेसिंग भी होते हैं। सभी लोग तो सामान्य कार चलाते हैं, इसलिए मैंने उसे कुछ हटके बनाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा गाड़ी बनाया है। ऐसे ही दो अच्छी अच्छी गाड़ी बनाओ, उसके बाद हम लोग इसे बेचने का भी काम करेंगे। ठीक है सर। फिर संजय अपने मालिक को उस मॉन्स्टर ट्रक कार में बैठा। बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे दिन पिंटू फिर अपनी कार से संजय की गैरेज में आता है और संजय का खूब मजाक उड़ाता है। उसके बाद फिर वो वहां से चला जाता है। इस बार संजय को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। फिर संजय अपनी मॉन्स्टर ट्रक कार को लेकर आता है। पिंटू अपने दोस्तों के साथ एक जगह बैठकर टाइम पास कर रहा होता है। अरे पिंटू वो देख, कोई अजीब सी गाड़ी आ रही है यार। हाँ मैंने भी ऐसी गाड़ी आज तक नहीं देखी यार। मॉन्स्टर ट्रक उसके पास आता है और उछलकर पिंटू की गाड़ी के ऊपर जंप करता है। पिंटू का गाड़ी एक ही बार में तहस नहस हो जाता है। अबे अबे ये क्या कर दिया, मेरी गाड़ी का पूरा सत्यानाश कर दिया। कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को छूने की? संजय अंदर ही बैठा होता है लेकिन कुछ नहीं बोलता, और शीशे होने के कारण वो दिखाई भी नहीं दे रहा था। संजय अपनी ट्रक से उस पिंटू की कार को 2-3 बार ठोकर मारता है और पिंटू का कार पूरा पिचक जाता है। पिंटू को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही पिंटू उस ट्रक के पास जाता है, संजय अपनी ट्रक को उसके तरफ आगे बढ़ाता है और जोर से जंप करके उसको डराने लगता है। पिंटू बहुत डर जाता है, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद पिंटू और उसके सारे दोस्त वहां से भागने लगते हैं। संजय अपने ट्रक से उनका पीछा करता है। कुछ दूर जाने के बाद पिंटू नीचे गिर जाता है और संजय ट्रक लेकर उसके पास आ जाता है। क्यों रे पिंटू, तुम लोगों का बहुत मजाक उड़ाते हो और तुम्हें पैसे का इतना घमंड है, आज तो तुमको सजा मिलेगा ही मिलेगा। जैसी तेरी गाड़ी को कुचलाना वैसे ही तुझे कुचल दूंगा। मुझे 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 माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। ठीक है, इस बार तो मैं तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर किसी का भी तुझे मजाक उड़ाते हुए देखा तो तू सोच लेना। और संजय अपनी ट्रक लेकर वहां से चला जाता है और पिंटू अपना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपने घर चला जाता है। तो इस तरह संजय ने अपनी मॉन्स्टर ट्रक के दम पर पिंटू को अच्छा सबक सिखाया। अच्छी लगी ना कहानी, तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।